On July 25th, a video posted by one Sakshi Sharma, who claimed to be a dog rescuer living in Indore's Tilak Nagar, went viral on social media. In her video, Sakshi alleged harassment by Indore cops and some miscreants and pleaded for help in protecting over 40 stray dogs whom she reportedly fosters. However, a few days after the video went viral, Indore police have alleged that the cry for help was staged. They denied the woman's claims of harassment as baseless and null. सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था और जब मैंने इसे देखा हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया तो उनके द्वारा तत्काल इस संवेदनशील मुद्दे पर मुझे भेजा गया. साथ में पीएफए पीपल फॉर एनिमल की अध्यक्ष प्रियांशु जैन, महिला आरक्षक पुष्पा और सपना को लेकर हम लोग गए थे बल के साथ. हमने उनकी काउंसलिंग की, साक्षी शर्मा से हमने बातचीत की है. उनकी मुख्य समस्या है कि आसपास भेड़ चराने पालक आते हैं जो कि भेड़े और बकरी चराते हैं, जिससे कि उनके कुत्तों को दिक्कत होती है. तो उस संबंध में भी हम लोगों ने अभी बीट प्रभारी को निर्देशित किया है कि उसमें देखें कहीं कोई असुविधा ना हो. हालांकि वो भी भेड़ पालक भी अपना पेट पालने के लिए, आजीविका के लिए आते हैं. और इसमें कुछ बातें जो सोशल मीडिया पे उन्होंने जो कही हैं जो कि तथ्यहीन है, उनके द्वारा कहा गया है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि 9 मार्च 2020 को उनकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 112 धारा 294 323 506 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध किया गया था. उसमें 70 वर्षीय शोभाराम के खिलाफ अपराध उन्होंने दर्ज करवाया था. उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी और वो उनके खिलाफ 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी. पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है, लेकिन उनको उन्होंने सोशल मीडिया में इसका उल्लेख नहीं किया. इस तरह से लोगों को उन्होंने एक तरह से झूठ कहा कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. हम लोगों ने पूरी कार्रवाई की है. उसके अलावा अभी उनकी जान को ऐसा कोई खतरा नहीं है. हमने आज शोभाराम को भी थाने पर लेकर आए थे और जो रतिराम चौकीदार था उसको भी हम लोग थाने पर लेकर पूछताछ की है. उनका जो एक पपी मिसिंग था, डॉगी जो कि गायब था, उसके संबंध में भी रतिराम से पूछताछ की है. उसके द्वारा बताया गया कि वो जो साक्षी शर्मा जी जो है उससे किराने का सामान, जो राशन का सामान कुत्तों का बुलवाती थी, उसने एक दो बार लाकर भी दिया, लेकिन चूंकि उसके जो ऑनर थे उन्होंने मना किया कि तुम चौकीदार हो और तुम अपना ड्यूटी छोड़कर नहीं जाओगे. तो जब उसने मना किया तो फिर उसने उनको धमकी दी कि मैं आपको किसी केस में फंसा दूंगी. इसी प्रकार जब हम लोगों ने काफी और जगह से बातचीत की तो ये मालूम पड़ा कि इनका मूल नाम जो है समरीन बानो, डॉटर ऑफ दिलशाद सिद्दीकी, निवासी मेरठ है और ये यूपी में भी रही है. उसके अलावा नोएडा में विस्तृत थाने में भी इनके खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है और अजयपुर चौकी और चिपियाना बुजुर्ग और ऐसे दादरी, ऐसे कई थानों पर इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है. ये अलग अलग राज्यों में ऐसी जानकारी मिली है कि इन्होंने नाम बदला है. डेजी नाम से ये गोवा में रही है, हैदराबाद में इनका नाम कुछ और था और उसके बाद ये समरीन बानो के नाम से, फिर साक्षी शर्मा नाम इन्होंने रख लिया है. और इंदौर में भी थाना एरोड्रम थाना लसोलिया में भी इनके खिलाफ शिकायत हुई है. थाना एरोड्रम में नीतीश कुमार त्रिपाठी ने इनकी शिकायत की है इनके खिलाफ कि उन्होंने इनके साथ बदतमीजी की, इनके 30,000 रुपये किराए के नहीं दिए. तो मेरा ये अपील है सोशल मीडिया पर कि किसी भी वीडियो को आप देखें लेकिन उसके दोनों पक्षों को जानें. इस मामले में हम काफी संवेदनशील हैं और उनकी हम पूरी तरह से हेल्प करने को तैयार हैं. जहां तक जो भी लीगल हेल्प उनको चाहिए, सुरक्षा के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है. बीट प्रभारी हम लगातार भ्रमण करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी थ्रेट अभी तक हमको लगा नहीं. हमने आसपास के मोहल्ले वालों से बात की है. कुछ जो उनके पड़ोसी हैं वो बहुत परेशान हैं. उनका कहना है कि वो सामने नहीं आना चाहते, लेकिन ये जो है डॉग्स के साथ काफी क्रूर हैं. उनको काफी मारती है, रात को उनको बहुत गालियां बकती है और चिल्लाती है उनके साथ. पूरे मोहल्ला परेशान है. डॉग्स उनके जो खुले में घूमते हैं, ये काफी चीजें हैं. इस पर हम लोग जो है अभी बात करेंगे, नगर निगम से भी बात करेंगे. लेकिन इस पूरे मुद्दे में ये बात सामने आई है कि सोशल मीडिया के माध्यम से और इन्होंने अलग अलग नामों से जो है अपने अकाउंट्स भी बनाए हैं और सोशल मीडिया से ये लोग एक मार्मिक अपील इन्होंने जो की है, लेकिन उसके पूरे तथ्य को जानना जरूरी है. इंदौर पुलिस खासकर उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और महिला सुरक्षा के लिए हम वैसे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव होकर काम करते हैं. पुलिस फर्दर रिवील्ड दैट द वुमन्स रियल नेम इज समरीन बानो and that she belongs to Meerut. It was also suggested that Sakshi Sharma, aka Samreen Bano, might be a fraud as police have uncovered multiple cases against her in various cities like Noida and Dadri. Her alleged modus operandi begins with the woman pretending to be an animal activist and milking money from people to support stray dogs. Once she has enough money, she leaves that place overnight and assumes a new identity in a new place. While the authenticity of both the woman and Indore police's claims remains to be proven,
netizens are left confused about who to believe. A TOI online report.